हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुभाष। चलिए देखते हैं कल मार्केट का काउंट हमारे साथ है, कौन सा स्टॉक था ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट था, बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको लोग सीखने के लिए मैं आपको पोजीशन भी दिखाने वाला हूँ, ऑर्डर बुक भी दिखाने वाला हूँ। कल के प्रॉफिट से थोड़ा सा डेफिनेटली प्रॉफिट इरोड हुआ है, कितना हुआ है ये सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे, किस तरीके से मैंने प्लान किया, अभी कैसे पोजीशन है, ये सारे हम लोग प्लान करें। लेकिन फर्स्ट थिंग, इन दिस कंडीशन राइट, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नहीं, जब भी मैं इन द मनी पे शॉर्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग साइकोलॉजी नहीं समझते हैं। डीप इन मनी में अगर शॉर्ट किया 900 पॉइंट, बहुत सारे लोग ये सोच कर बैठ गए होंगे 900 पॉइंट इनटू क्वांटिटी साइज इतना प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट कभी भी सरप्राइज दे सकता है। अगर मार्केट 38,000 चला गया तो बहुत सारे लोग पैनिक होके पैरालिसिस होके इसको निकालेंगे नहीं, ये सोच करके नहीं, यहां इतना प्रॉफिट मिलने वाला था, अभी प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है। ड्यू टू दिस ओनली लोग पैसा कमा नहीं पाते मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट कभी भी सरप्राइज दे सकता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, इतना बड़ा मोमेंटम होगा। मैं स्क्रीन के ऊपर अलर्ट लगा के जाता हूं, जैसे अगर हम लोगों को 15 मिनट चार्ट में मैं दिखाऊं कहां पे मैंने अलर्ट लगाया था, कल से ही मैंने अलर्ट लगा दिया था, क्योंकि कल मैंने प्राइस एक्शन देख के ट्रेड किया था और मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा था, तो हमें अराउंड इसी लेवल के आसपास 37,450 के आसपास मेरे पास अलर्ट था। और जब ये कैंडल बना राइट, तब मेरा कॉल के साइड में बहुत प्रॉफिट इरोड हो चुका था, इसी पॉइंट पे मैंने इसको निकाल दिया। अगर पकड़ लीजिए इसको नहीं निकालता तो फिर इतना बड़ा लॉसेस भी हो सकता था। तो चलिए अभी हम लोग ऑर्डर बुक पे देखते हैं, मैं इसको पहले रिफ्रेश कर देता हूं। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे 915 को मैंने 33 का पुट लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पुट लेना था। इसके पीछे का रीजन, क्योंकि 37,000 एक राउंड लेवल है, हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, मुझे राउंड लेवल के आसपास ट्रेड करना पसंद है, क्योंकि उसी लेवल के ऊपर बात होती है। 37,000 के नीचे मार्केट चला जाएगा, 17,000 के नीचे क्लोज दे दिया, 38,000 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है। तो इसी के लिए जब 37,000 मार्केट यहाँ पे खुला, मेरे पास दो कंडीशन था कल ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो मुझे कॉल के साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए मैंने पुट होल्ड नहीं किया था। लेकिन अगर गैप अप खुला, आई नीड टू पुट हेज, क्योंकि उसके बाद अगर रिकवर हुआ तो भी मुझे पैसा लूज नहीं होने वाला। तो यहां पे मैंने क्या किया, 37,000 का फिर यहां पे अगर आप लोग देखोगे 450 के एवरेज प्राइस पे मैंने फिर पुट ऐड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास कॉल थे और मार्केट गैप अप खुला। गैप डाउन खुलता तो फिर मैं ऐड नहीं करता, मैं मेरा प्रॉफिट बुक करता, क्योंकि 80% प्रीमियम डीके। और आज आपको पता चल रहा होगा किस तरीके से मैं चेक पॉइंट्स बनाता हूं, 80% प्रीमियम डीके के बाद मैं निकाल देता हूं। जितने लोग 20-30 रुपए या 50 रुपए का ऑप्शन सेल करके कॉल गए होंगे और उनका 80-90% प्रीमियम डीके हो चुका होगा, आज के डेट पे 10 रुपए का भी ऑप्शन 100-150 रुपए भी ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम था। इन दिस केस आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट सारे ऊपर नीचे हो जाते, तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं, मैं हमेशा कभी भी जीरो होने तक वेट नहीं करता इसलिए। और इसके बाद मैंने और ज्यादा स्क्रीन नहीं देखा, स्क्रीन के ऊपर अलर्ट था, जैसे यहां पे मैंने बताया प्राइस अलर्ट था, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो मुझे प्राइस आ जाएगा, और समय अराउंड इसी लेवल के आसपास मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद नीचे की तरफ 36,500 के आसपास मैंने अलर्ट लगाया था, क्योंकि दिस इज द अगेन राउंड लेवल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 36,500 ये कभी आया नहीं, एंड सेकंड उसके बाद ऊपर की तरफ ये जाने लगा, सडनली मेरे पास 1 o'clock या 1:30 के आसपास जब ये कैंडल का मैसेज आया कि नहीं हाँ ये क्रॉस हो चुका है ये लेवल, तब मैं जब अकाउंट में देखा समय अराउंड 1.09 या फिर 1.10 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा था। और इसीलिए चल रहा था क्योंकि मेरे कॉल के साइड अगर देखेंगे, लेट्स चेक द पोजीशन, मेरे कॉल के साइड अगर पोजीशन देखेंगे समय अराउंड ये बहुत कम में पैसा मिला, क्योंकि बहुत इरोट हो चुके थे। पुट के साइड जो मैंने मॉर्निंग में ऐड किए थे 37,100 पुट, ये मुझे 1 share के आसपास प्रॉफिट दे रहा था, तो नेट टू नेट में मुझे 1.10 का M2M में प्रॉफिट चल ही रहा था, तो कोई इशू नहीं था। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, आग बंद करके सीधा मैंने जाके इसको क्लोज किया। अगर आप लोग देखोगे 1:13 के आसपास जब मुझे अलर्ट मिला समय अराउंड उसी लेवल पे मैंने फिर पोजीशन स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर दिया, 865 लेवल पे मैंने स्क्वायर अप कर लिया। लेकिन अगर आप ये जगह पे होते, 95% लोग इसीलिए पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि दे आर ह्यूजली इमोशनल अटैच्ड टू द सिस्टम। यहां पे बस पैसे देखेंगे, हाँ इतना मिल चुका है। अभी मैंने 942 पे शॉर्ट किया था, इसको अगर 80% में निकालू 190 या फिर 80 के आसपास मेरा टारगेट था, यहां तक आ जाता तो फिर धीरे धीरे मैं ट्रेल करना स्टार्ट करता, लेकिन यहां तक अभी आया नहीं था। 227 या 28 तक लो लगाया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। इतना ज्यादा प्रॉफिट देखने के बाद राइट, फिर आप और उसको होल्ड नहीं करोगे, इसको फिर आप एडजस्ट करते चलोगे कि नहीं पुट ले लिए, फिर और पुट ले लिए, फिर और पुट ले लिए। इससे क्या होगा, अगर मार्केट गलती से ट्रेंडिंग हो गया जिससे अभी हुआ है, 865 का अगर हम लोग देखेंगे लास्ट अभी क्लोज हुआ है समय अराउंड यहाँ पे 886 में मैंने इसको बुक किया, मार्केट 1246 तक चला गया। अगर मैं ये क्वांटिटी होल्ड करके रखता तो मुझे नेगेटिव हो जाता, 1.12 CR का नेगेटिव भी हो जाता। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि मनी मैनेजमेंट इज अ की, एंड टेक प्रॉफिट मैं कैसे प्लान करता हूँ, उसको राउंड लेवल कैसे यूज करता हूँ, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैंने इन द मनी का सिस्टम
प्लान बनाया, ये सारे पॉइंट मेरे ध्यान में थे क्योंकि ये सारे मैंने लॉसेस ले लेके सीखा है मार्केट से। अगर इन द एंड में देखेंगे, कल हम लोगों ने 1.5 CR के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा था, मैंने बुक नहीं किया था, लेकिन आज अगर देखेंगे 70.36 मोर देन 1.6 प्लस 15, तो 1.20 का आज मैंने प्रॉफिट इससे निकाल दिया है। सो दैट मीन्स आज भी हम लोग को 1 CR का आसपास प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कल का प्रॉफिट और कुछ बचा नहीं, तो फिर डेफिनेटली इंट्राडे के अंदर हम लोग 1.2 CR का प्रॉफिट बुक कर लिया। कल मैंने बुक नहीं किया था, आज मैंने बुक कर लिया। इसके पीछे का रीजन, अभी मैं थोड़ा सा सेफ हूँ, सेफ इन द सेंस मैं बहुत दूर, 37,600 अभी मार्केट चल रहा है, 38,170, क्योंकि अभी अगर मैं इन द मनी पे ट्रेड करूंगा राइट, डेफिनेटली आई एम प्लेइंग विथ माई साइकोलॉजी। तो इसी के लिए साइकोलॉजी कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा मैं अभी स्ट्रैंगल क्रिएट किया हूँ, स्ट्रैंगल इन द सेंस आउट ऑफ द मनी अभी ट्रेड किया हूँ। आउट ऑफ द मनी मैंने बहुत कम ट्रेड किया है और दिस इज वन ऑफ देम। इसके पीछे का रीजन, जब भी मुझे लगता है कि नहीं हाँ वो टू आज मॉर्निंग में 1.7 तक, नहीं 1.6 या 6.5 तक मैंने प्रॉफिट देखा था, उससे ज्यादा प्रॉफिट देखा नहीं था। और यहां से जब आप लोग 1.5 या 1.1 का प्रॉफिट बुक करते हो, 30-40 लाख माइनस में बुक करते हो, डेफिनेटली साइकोलॉजी इशू होता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सेफ साइड रखा सो दैट कि मार्केट को वो लेवल तक पहुंचने दो, फिर मैं वहां पे कुछ ट्रायंगल स्ट्रैडल या फिर एडजस्टमेंट प्लान करूंगा। तो मैंने प्लान क्या किया, फिर 37,600 पुट मैंने 13,000 क्वांटिटी 114 में शॉर्ट किया है, एंड 38,500 लेवल राउंड लेवल के आसपास मैंने समय अराउंड इतना क्वांटिटी मैंने शॉर्ट किया है। हो क्या सकता है मार्केट में, अभी थोड़ा सा 8-9 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा होगा ये पोजीशन के अंदर, ये मैक्सिमम मुझे 70 लाख के प्रॉफिट, 70 या 74 लाख प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इतना तक कभी मैं वेट नहीं करता। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, 1 रुपए का प्रीमियम 50-100 हो सकता है, लेकिन 50 से अगर आप शॉर्ट किए हो, 20 में निकाल देते हो तो टाइम भी बच गया, तो मेरा ये पोजीशन कल ही स्क्वायर अप हो जाएंगे 100% थर्सडे के दिन। मैं इंट्राडे प्लान करूंगा, थर्सडे से भी ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर प्लान करूंगा तो इंट्राडे प्लान करूंगा, मैं पोजिशनल प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि पोजिशनल में प्रॉफिट बहुत अच्छा निकल चुका है, एटलीस्ट अभी भी 1.3 का प्रॉफिट है। यहां से अगर 10-15 माइनस भी होता है, क्योंकि आज 8 या 9 लाख प्रॉफिट कल सुबह खुलते ही साथ मुझे मिलने वाला है, अगर 10-15 लाख माइनस भी होता है, 1 CR का प्रॉफिट क्या नहीं कहीं पे। अगर पकड़ लीजिए कल मॉर्निंग में खुलते ही साथ 38,500 चला गया, तो फिर मैं कैसे एडजस्ट करूंगा आप लोगों को भाई, इधर मैं कॉल निकाल दूंगा SL में, या फिर 38,400 के ऊपर जब ये सस्टेन करने लगा, क्योंकि बैंक निफ्टी 38,400 के आसपास एक गैप है, अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा, सस्टेन मींस यहाँ पे होवर करेगा, क्योंकि जब भी मार्केट अपसाइड जाता है पहले होवर करता है फिर ब्रेकआउट देता है, अगर होवर किया मैं फिर उसी टाइम पे 38,500 ये पुट को प्रॉफिट में निकाल के, क्योंकि उस टाइम पे ये पुट ऑलमोस्ट 80% प्रीमियम डिके हो चुके होंगे, क्योंकि नियर टू एक्सपायरी है, बहुत जल्दी प्रीमियम डिके होंगे, फिर ये सारे क्वांटिटी में निकाल के फिर मैं ऊपर ऐड कर दूंगा 38,500। अगर वो लेवल सेफ नहीं रहा, क्योंकि ये राउंड लेवल है, अगर वो भी सेफ नहीं रहा और 500 पॉइंट ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली मैं 10-15 लाख में स्क्वायर अप कर दूंगा, इसके अंदर और फाइट नहीं करूंगा कि नहीं हाँ कॉल को मैं लेफ्ट आउट कर दूं और उसके बाद पुट को स्कोर रोल ओवर करते रहूं, एडजस्टमेंट करते रहूं, एक दिन हाथ जल जाएगा। जिस तरीके से आज 1200-1300 पॉइंट मूव हुआ, ठीक है, क्या पता कल सुबह अगर 2000 पॉइंट का मूव हो जाता, अगर मैं ये पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करूंगा, इन द सेंस कि नहीं मैं ये सोचकर चल रहा हूं कि नहीं मैं इसको एडजस्टमेंट करना है, तो 800 का भी ये 1200 अगर लेट से 2000 हो जाता, तो डेफिनेटली ये आज नहीं तो कल फंसा देगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर, आपका प्लान था, कल मैंने आपको बताया था, कल हम लोगों ने डिसाइड किया था मार्केट यहां से लो लगा के आ रहा है, तो ये स्विंग के ऊपर निकल जाएगा तो फिर मैं इससे आउट हूँ कोई भी कंडीशन में। अगर ये टच करके रिटर्न भी आ गया तो भी मैं आउट हूँ। इन दिस कंडीशन क्या हुआ था आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे 38,000 का कॉल शॉर्ट किया था फ्राइडे के दिन, मार्केट यहाँ पे सिंगल 2-3 पॉइंट ऊपर गया, इसी में ही मैंने निकाल दिया और इन द एंड में मुझे बड़ा प्रॉफिट भी मिस हुआ। लेकिन इससे क्या होगा, आप स्मॉल स्मॉल लॉसेस अगर देते जाओगे तो एक दिन ट्रेंड आपके फेवर में रहेगा, हो सकता है कि नहीं आज मार्केट साइडवेज चला जाता, डेफिनेटली हम लोग को 1.8-1.9 का प्रॉफिट मिल जाता, रिवर्सल हुआ इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा। ऑलवेज हम लोग मार्केट को ये नहीं बोल सकते कि इसी रेंज के अंदर तू रहे, हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो इसके अंदर ट्रेड करें, तो ये सारे चीजें कभी मार्केट प्लान नहीं करता, मार्केट अपने हिसाब से मूव करेगा, आप प्राइस को देखते चलो। मुझे आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा मोमेंटम हो जाएगा, लेकिन मॉर्निंग में मैंने 37,000 यहाँ पे ही एक राउंड लेवल पे ही मैंने स्ट्रैडल बना के रख लिया था, 37,000 का कॉल बहुत पहले से शॉर्ट था, फिर अभी आज मैंने पुट ऐड किया, जब मार्केट ऊपर गया 37,000 का पुट मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलने लगा, और कल का जो मेरा प्रॉफिट था वो थोड़ा थोड़ा इरोड होने लगा, इन द एंड में प्रॉफिट नेट टू नेट में सेम था। जब ये कैंडल बना डेफिनेटली कॉल थोड़ा सा ड्रास्टिकली मूव किया ऊपर की तरफ, पुट में उतने प्रीमियम नहीं देखने, उतना एडजस्टमेंट में हमको उतना प्रॉफिट मिलेगा, तो इन द एंड में एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिला है, अभी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है, 20-25-30 अगर और प्रॉफिट मिल गया तो वेल एंड गुड। अगर हम लोग कल का बात करेंगे तो नो डाउट कल एक्सपायरी वेनेसडे है, तो थोड़ा सा प्रीमियम डीके स्टार्ट फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, थर्सडे के दिन और फास्ट होगा, कल के दिन 10-15 और मिल गया
ये तो बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कल का मार्केट क्या प्लान कर सकते हैं। 38,400 एक यहाँ पे गैप पेंडिंग है, करेक्ट। इसी लेवल के आसपास हमको देखना है मार्केट क्या यहाँ पे होवर कर रहा है। होवर इन द सेंस इस तरीके का कोई पैटर्न बनना चाहिए, मार्केट हायर लेवल पे सस्टेंड करना चाहिए। अगर इसी लेवल पे सस्टेंड किया नियर अबाउट 12 o'clock के बाद फिर से हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट कर गया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि कोई भी लेवल से ये फिर रिटर्न आ सकता है 38,000 या 38,100 200 ये लेवल की तरफ रिटर्न आ सकता है, क्योंकि कल का दिन प्रीमियम डीके हो सकता है। तो थोड़ा सा हम लोगों को इधर एक कंटिन्यूशन का कैंडल, इस तरीके का डेली कैंडल देखने मिल सकता है, या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुला, थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो भी देखने मिल सकता है। एक इंटरेस्टिंग जगह पे हम लोग को ट्रेंड मिल सकता है कल, अगर गैप अप खुला नियर अबाउट 37,800 या 38,000, 50-100 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाए इसी लेवल के आसपास, अगर कहीं पे पॉजिटिव कैंडल फिर से हम लोगों को मिल जाता है नीचे की तरफ, फिर ये ब्रेकआउट पे हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं 38,180 के ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं बाई करने के लिए। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, लेट्स से 70-80 या 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुला, फिर 38,180 क्रॉस कर रहा है उसी टाइम में हम लोग इसको परचेस कर सकते हैं। टारगेट हम लोग का 38,400 के आसपास होना चाहिए, 50-60 रुपये का स्टॉप लॉस। कल हम लोगों ने प्लान किया था मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो 37,200 के आसपास कहीं पे भी नेगेटिव कैंडल अगर बनता है हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 50-60 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 टारगेट होना चाहिए। अगर हम लोग कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, एक अच्छा टारगेट तो मिला है लेकिन बाइंग के साइड में बहुत अच्छा मोमेंटम। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। कल थोड़ा सा अगर गैप डाउन खुलता है तो ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एग्रेसिव सेलिंग अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइस एक्शन कंप्लीटली एक बड़ा कैंडल बना चुका है। अभी नीचे जब तक आएगा तो फिर 37,400 ये सारे लेवल अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, तो इसके नीचे प्राइस एक्शन फिर हम लोग को सेलिंग के लिए आएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम के बाद थोड़ा सा पॉज ले सकता है, क्योंकि 2 दिन में मोमेंटम आ चुका है तो थोड़ा सा पॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है जिस तरीके से हम लोगों ने बैंक निफ्टी प्लान किया था, तो 17,300, 320, 30 ये सारे लेवल पे अगर ओपन होता है तो 17,350 या 370 क्रॉस करते ही साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं, 25-30 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 17,400-450 हम लोग का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप खुला तो थोड़ा सा साइडवाइज मार्केट के लिए प्लान होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप इन द सेंस 100 पॉइंट का गैप अप खुल गया, फिर 400 या फिर 500 के आसपास हम लोग स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से एक ट्रेंडिंग मार्केट है, थोड़ा सा अभी साइडवाइज मार्केट जा सकता है। चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक के टाइटन अगर देखेंगे, बहुत ही अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है एंड एक अच्छे लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, 2,500 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर भी आ सकता है। 10 रुपये का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा अगर ये लेवल क्रॉस करता है फ्लैट खुलने के बाद, 2,490 के आसपास खुलने के बाद अगर ये 2,500 क्रॉस करता है तो हम लोग इसको परचेस कर सकते हैं और हम लोग का टारगेट मिनिमम 20 रुपीज होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है, कंटिन्यूसली सेम रेंज पे बहुत दिन तक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4,670 के ऊपर अगर ये निकलता है फिर हम लोग इसमें 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 30-40 रुपये मिनिमम टारगेट होना चाहिए। बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन भी इसके ऊपर आ रहा है, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे डबल बॉटम बनाने का ये कोशिश कर रहा है, एक अच्छे लेवल पे है जहाँ से ये प्रीवियस टाइम रिवर्स हुआ था उस लेवल को रिटेस्ट करके यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज जीत दिया है, तो डेफिनेटली 388 के ऊपर हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, 2-3 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का प्लान होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे ICICI पोटेंशियल, अगर देखेंगे नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक तो दिया था, बाइंग के लिए एक मोमेंटम तो दिया था लेकिन क्लोजिंग इतना कन्फर्मेशन नहीं दिख रहा है। 500 राउंड लेवल है तो इसको 505 के नीचे हम लोग प्लान कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस टाइम स्विंग के नीचे ही क्लोज दिया है, तो यहाँ से अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है तो एक बार और सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। 500 राउंड लेवल है जहां से ये आज रिवर्स हुआ है उसी लेवल के आसपास अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर भी आ सकता है, तो 505 क्रॉस करते हैं हम लोग प्लान कर सकते हैं, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चला तो लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।